अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सो आप लोग सब खैरियत से हैं। माशाल्लाह हम लोग भी सब खैरियत से हैं। और आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है फ़िश का सालन एंड येलो राइस ऑन पब्लिक डिमांड। तो सबसे पहले हम लोग ने फ़िश का सालन बनाने के लिए लिए थे वेकड़ू मच्छी। और फ़िश बनाने के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि फ़िश की कटिंग करना और फ़िश को अच्छे से क्लीन करके वॉश करना। हम लोग ने मच्छी ले लिए थे हमारे ईश्वर भैया से, और ईश्वर भैया हमको अच्छे से फ़िश काट के दे रहे हैं। देखिए कितने अच्छी तरीके से उन्होंने सारे पहले फेदर्स जो उसके रहते वो काट लिए थे, उसके सारे स्केल साफ कर लिए। और पीसेस तो आप अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। मेरी मम्मी उनको गाइड कर रहे थे कि किस तरीके से फ़िश को काटना है। सबसे पहले ईश्वर भैया ने काट लिए उसके हेड काटने के बाद उसका पूरा जो पेट के अंदर से जो वेस्टेज निकलता है वो निकाल लिए, गिल्स निकाल लिए डिस्कार्ड करने के लिए। और अब फाइनली वो उनके पीसेस कर लेंगे। मम्मी ने बताए थे कि इतनी साइज़ में हमें काट लेना है, आप अपने चॉइस के हिसाब से पीसेस कर सकते हो। और अब फाइनली हमारी एक फ़िश कट के हो चुकी है, और अभी सेम प्रोसेस के साथ नेक्स्ट फ़िश भी काट लेंगे। और अब जब ये दोनों फ़िश कट के अच्छे से रेडी हो जाएगी, हम लोग उसको वॉश कर लेंगे विनेगर और नमक के पानी से। और अभी नेक्स्ट हम लोग तैयारी कर रहे हैं येलो राइस बनाने की, विच इज़ ऑन पब्लिक डिमांड। येलो राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक मसाला तैयार कर लेंगे। ये मसाले के अंदर है कोकोनट, ग्रीन चिलीज, कोथमीर और लहसुन। ये मसाले को हम लोग को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और हम लोग को चाहिए कुछ पाउडर मसाले, एक कप राइस, कड़ी पत्ता और गरम मसाला। सबसे पहले एक बर्तन के अंदर हम लोग डाल देंगे जो 2 चम्मच तेल, फिर डाल देंगे कुछ गरम मसाला, और फिर डाल देंगे ये हमारा पीसा हुआ मसाला। अब ये मसाले को हम लोग को अच्छे से सौटे करना है, स्टर करना है। और फिर इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच तीखी वाली मिर्ची, और डाल देंगे इसमें 2 चम्मच पानी ताकि ये मसाला हमारा जले ना। फिर डाल देंगे उसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने चॉइस के हिसाब से डाल सकते हो। अभी हम लोग को इसको अच्छे से स्टर करना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए ग्रेवी से। और इसमें डाल देंगे 1 तेज़पत्ता। देखिए कितना बेहतरीन से हमारा यह मसाला भून के हो चुका है। ये पॉइंट के ऊपर अभी हम लोग डाल देंगे इसमें ये चावल जो अच्छे से हम लोग ने वॉश करके रखे थे, और 10 मिनट इसको हम लोग ने सोक करके रख लिए थे। ये कोलम राइस है और इसमें हम लोग ने डाल दी है थोड़ी सी कोथमीर। ये कोलम राइस है, अगर आप चाहे तो आप बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हो। और इसका सबसे मेन प्रोसेस यही है इस राइस के अंदर कि इसको आपको अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका पूरा पानी ड्राई ना हो जाए। देखिए कितना बेहतरीन से ये भून के हो चुका है। और अब फाइनली क्योंकि ये 1 कप राइस था तो हम लोग इसमें 2 कप बॉइल्ड किया हुआ पानी डाल देंगे। और बस मम्मी वेट कर रहे हैं इसका बॉइल आने के लिए, और इसको दे देगी अभी फाइनली दम। दम देखिए थोड़ा पानी मम्मी को कम लगा तो मम्मी ने थोड़ा सा और पानी डाल दिए, और अभी बस इसको हम लोग को देना है दम पे फाइनल टच के लिए। इसके अंदर मम्मी ने डाल दिए थोड़े से कड़ी पत्ते। फाइनली हम लोग ये राइस को दम पे दे देंगे 10 मिनट के लिए। और मीनवाइल एक मसाला तैयार कर लेंगे फ़िश के सालन के लिए, जिसमें है खोपरा, मिर्ची, कोथमीर, लहसुन और इमली। ये ले लिए हम लोग ने कुछ फ़िश के पीसेस, ये ग्राइंड किया हुआ मसाला, फिर हम लोग ने ले लिए कुछ कड़ी पत्ते, एक नींबू और कुछ पाउडर मसाले। फिर हम लोग एक बर्तन में ले लेंगे 4 चम्मच तेल, फिर डाल देंगे उसमें ये मसाला। ये मसाले को हम लोग को अच्छे से भूनना है। आप जितना अच्छा भूनोगे उतनी बेहतरीन ही आपकी ग्रेवी बनेगी। फिर इसमें हम लोग डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और डाल देंगे हम लोग 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। आप मिर्ची अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर हम लोग इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच नमक। नमक भी आप अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसको अच्छे से जब भूनकर हो जाएगा हम लोग इसमें डाल देंगे कुछ कड़ी पत्ते के पीसेस। और फाइनली देखिए हमारी ग्रेवी कितनी माशाल्लाह अच्छी लग रही है। और अभी इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा सा और भून लेंगे, ये हमारा मसाला जले नहीं और अच्छे से भून जाए। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा और इसमें पानी ऐड कर लेंगे, क्योंकि जितनी बेहतरीन आप इसकी भुनाई करोगे उतनी अच्छा ही आपका इंशाल्लाह सालन बनेगा। जब ये अच्छे से भून के हो चुका था, मम्मी ने इसमें डाल दिए थे ये फ़िश के पीसेस। फ़िश के पीसेस को आपको बहुत ही डेलिकेट हाथ से हैंडल करना है, वरना ये पीसेस टूट जाएगी। जब एक साइड पर 1 मिनट हो चुका था तो मम्मी ने फ़िश के पीसेस को टर्न कर लिए ताकि ये फ़िश के पीसेस को अच्छे तरीके से ऑयल और मसाला लग जाए। और अब फाइनली मम्मी ने दो ये जो फ़िश के हेड थे वो भी डाल दिए थे, और अभी इसमें डाल दिए थे थोड़ा सा पानी। आप पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए, एक साथ मत डालिए।
फिर आपको इसको स्टर करना है एकदम डेलिकेट हाथ से। इसके लिए मम्मी ने उसको कपड़े की मदद से ही उसको स्टर कर लिए थे और अब फाइनली थोड़ा थोड़ा मम्मी फिश के पीसेस के ऊपर मसाला लगा रहे हैं। और अभी मम्मी ने बस लास्ट थोड़ा सा पानी डाल लिए थे कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद, और अभी मम्मी इसको बस चम्मच की मदद से इसको स्टर कर रहे हैं। और अभी देखिए फाइनली मम्मी वेट कर रहे हैं एक बड़े बॉईल का, और जब इंशाल्लाह ये बड़ा बॉईल आ जाएगा तो मम्मी फाइनल टच के लिए डाल देंगे थोड़ी सी कोतमीर। और देखिए बेहतरीन सा हमारा सालन बनके रेडी हो चुका है। और अब मम्मी दूसरी तरफ चावल चेक कर रहे हैं कि हो गए कि नहीं, और देखिए माशाल्लाह सा हमारे चावल भी बन चुके हैं। और जब ये सालन थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा मम्मी उस पर थोड़ा सा नींबू डाल देंगे। और देखिए माशाल्लाह सी हमारी ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है, यानी फिश का सालन और येलो राइस जो पब्लिक डिमांड पे था वो भी बनके रेडी हो चुका है। अब फाइनली मैं हमारा खाना सर्व कर रही हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन लग रहा है, और जितना ये बेहतरीन लग रहा था उससे ज़्यादा टेस्टी बना था माशाल्लाह से। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए, अपने अपनों को खिलाइए। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।